हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एजे मेडिसिंस में। मैं हूं आपका दोस्त अजीत। आज मैं आप लोगों को क्लीन सॉल कैप्सूल के बारे में बताऊंगा। क्लीन सॉल कैप्सूल को कब और कैसे इस्तेमाल करना होता है, किन किन समस्याओं में इसे यूज़ किया जाता है, कितने दिन तक इस दवा को लेना होगा, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, साथ साथ हम ये भी जानेंगे किन लोगों को ये दवा अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और अगर आप हमारे पहले से सब्सक्राइबर हो तो वीडियो कर लो लाइक, और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना कर सको। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। क्लीन सॉल कैप्सूल एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से जिन लोगों के चेहरे पे कील मुहासे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मोटे मोटे दाने निकलते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और कई क्रीम वो लगा चुके हैं लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, ऐसी कंडीशन में डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं, उन मुहासों को ठीक करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस एक स्ट्रिप में 10 कैप्सूल होते हैं और इस 10 कैप्सूल का जो प्राइस है वो है 278 रुपये, यानी 278 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है लीफोर्ड हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है क्लिंडामाइसिन 300 mg। और ये जो दवा है आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। अगर ना मिले तो आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, चाहो तो आप इसे 1 mg से मंगा सकते हो या फिर अमेजोन फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को लेना कैसे होता है। तो देखिए, इसका एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद लेना होता है। कितने दिन लेना होगा तो 10 से 12 दिन इस दवा को चलाना होता है। कई बार इससे ज़्यादा भी चलाया जाता है और कई बार इससे कम भी चलाया जाता है, वो प्रॉब्लम के हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कितना मरीज को देना है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली 10 दिन तो इसे चलाना ही होगा। 10 दिन में जिनके मुहासे या फिर किसी प्रकार के दाने चेहरे पर हो रहे हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितने दिन में इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो आपको 3 से 4 दिन में इसका फ़ायदा देखने को मिलने लगेगा। मैं आपको एक बात और समझाना चाहता हूँ, अगर आप क्लीन सॉल जेल अगर यूज़ करते हो चेहरे पे तो आपके मुहासे और जल्दी ठीक हो जाएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्लीन सॉल जेल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो वीडियो एंड स्क्रीन पर आ जाएगी, आप ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को किन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए दवा नहीं है तो उन्हें नहीं देना है, और जो महिला प्रेग्नेंट है उन्हें भी इस दवा को नहीं देना है। अगर ये यूज़ करना चाहते हैं तो डॉक्टर की सलाह पे ही यूज़ करें, नहीं तो नहीं करना है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस दवा को लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, जब आप इस दवा को लेते हो और लेने के बाद आपको बहुत ज़्यादा शरीर पर खुजली मचने लगे तो ऐसी कंडीशन में आप समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको उल्टी सा मन या उल्टी होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा, या फिर आपको दस्त लग जाए तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है, या फिर आपको पेट में दर्द होने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फौरन इसे रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें। कोई भी दवा यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।